नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन का मुद्दा है वो है कि अगर पुलिस आपके केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है तो इन दैट सिनेरियो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमने अपनी कंप्लेंट फाइल कर दी पुलिस स्टेशन में, पुलिस ने उस कंप्लेंट को लिया, लेकर के उसे एफआईआर में तब्दील किया, पर तब्दील करने के बाद पुलिस कुछ करती नहीं है। अब इसके कारण कई हो सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि पुलिस, हो सकता है पुलिस को ना लगता हो कि आपका जो जो एलिगेशन है वो सही है, या उनको ऐसा ना लगता हो कि आप जो एलिगेशन है वो उतने ग्रेव नहीं है, या जो आपके अगेंस्ट ऑफेंस ऑफेंस कमिट हुआ है वो शायद उतना ग्रेव नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई होती है वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होते हैं, उनका काफ़ी दबदबा होता है जहाँ पर थाना स्थित है, तो इस वजह से पुलिस उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेती नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जिनके अगेंस्ट आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं वो कोई बहुत पावरफुल बिजनेसमैन है या कोई पॉलिटिशियन है, जिस वजह से पुलिस उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने से कई बार हिचकिचाती है या कतराती है। कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस ने दूसरी साइड से किसी तरीके से अरेंजमेंट कर ली होती है, जिस वजह से पुलिस आपके कंप्लेंट के ऊपर जो अप्रोप्रिएट स्टेप्स हैं वो नहीं लेती है। चाहे कारण जो भी हो, जो भी रीजन हो, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इफ यू टेक दो स्टेप्स तो फिर आपकी ये जो प्रॉब्लम है कि पुलिस आपके मैटर में अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर रही है तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, दिस इज ओनली इन केस जहां पर आपका कोई जेन्युइन क्लेम है, कोई आपके अगेंस्ट जेन्युइनली कोई ऑफेंस कमिट हुआ है। इस चीज को अगर आप मिसयूज करेंगे, जो मैं स्टेप्स आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप उनको मिसयूज करते हैं तो कल की डेट में डेफिनेटली ट्रुथ तो निकलेगा कोर्ट में, क्योंकि कोई भी चीज प्रूफ जब होती है तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ट्रायल। ट्रायल में आप जो कहते हैं, आप अपना पक्ष रखते हैं, दूसरी साइड का वकील है वो आपको क्रॉस एग्जामिन करता है, जज साहब जो होते हैं वो आपके अगेंस्ट जो डिसीजन पास हुआ है या आपके मैटर में जो डिसीजन पास हुआ है उसको जज साहब भी सुनते हैं, और जब आपका फैसला हो जाता है तो उसमें अपील्स भी होती हैं। तो ये काफी लंबे एक फिल्टर से गुजरता है, कोई भी मैटर जो आप एफआईआर या कंप्लेंट फाइल करते हैं उसका काफी लंबा एक लाइफ टाइम होता है, क्योंकि हमारे जो लॉ का सिस्टम है उसमें काफी अपील्स के भी प्रोविजंस हैं, ताकि अगर लोअर कोर्ट ने कहीं गलती कमिट की हो तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की स्टेज तक उसको करेक्ट किया जा सके। तो जो मैं आपको स्टेप्स बताने जा रहा हूं, इट शुड ओनली बी यूज अगर आपका क्लेम जेन्युइन है, इसको किसी को हरास करने के लिए, या अगर आप इस माइंडसेट से इस डिस्कशन को सुन रहे हैं कि किसी को आपको तंग करना है या हरास करना है या आर्मट्विस्ट करना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा इसे आप छोड़ दें, क्योंकि इन द लॉन्ग रन इससे आपको नुकसान होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और दोस्तों, हमारा ये जो चैनल है यहाँ पर हम ऐसे ही जो डे टू डे हमें लॉ की जो जानकारी होनी चाहिए उस बारे हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, और उस बारे हम वीडियोस बनाते हैं ताकि हम एक लीगली अवेयर कम्युनिटी बना पाए। और अगर आप हमारे इन डिस्कशंस के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एडिशनली हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का आप हिस्सा बन सकते हैं, आप उन्हें उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप हमारे इन डिस्कशंस के साथ जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। तो जैसे हमने कहा कि मान लीजिए आपकी कंप्लेंट एफआईआर में तब्दील हो गई है पर उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि जो आपके मैटर में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, अगर आपको लगता है कि उनकी किसी ढील की वजह से आपका मैटर प्रोसीड नहीं कर रहा, तो यू कैन राइट टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इन चार्ज जो होता है पुलिस स्टेशन का, उसको हम कई बार ऑफिसर इन चार्ज या एसएचओ भी बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो आप ओसी को, ऑफिसर इंचार्ज को, या एसएचओ को, स्टेशन हाउस ऑफिसर को लेटर लिख सकते हैं कि मैंने फलानी डेट पे एक एफआईआर करी थी, उस एफआईआर को सो एंड सो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दिया गया था, एंड दैट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज नॉट प्रोसीडिंग प्रॉपरली विद द केस। तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आपने अगर ओसी को या एसएचओ को ये लेटर लिखा, बिकॉज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर ओसी होता है, जो थाने का जो प्रभारी होता है, जो थाने के जो स्टेशन हाउस ऑफिसर या ओसी जिसे कहते हैं, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सुपरवाइजरी ऑफिसर होते हैं। तो ओसी को आप अगर आप लिखते हैं तो हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट कई बार ऐसा होता है कि जो ओसी होता है वो भी हो सकता है कि आपकी कंप्लेंट पे स्टेप्स ना लें, या हो सकता है जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेंट की है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो ओसी भी उनके अगेंस्ट हो सकता है कि स्टेप्स लेने से बच रहे हों।
तो इन दैट केस व्हाट यू डू इज आप उस कंप्लेंट को एस्केलेट कर दें टू द डीसीपी ऑफ योर कंसर्न थाना, जो भी आपके वहां पे डीसीपी हैं उनको आप लिखें कि मेरी जो कंप्लेंट है वो सो एंड सो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैंडल कर रहे हैं, मैंने एसएचओ को कंप्लेंट की, ओसी को कंप्लेंट की या उनको लेटर लिखा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो, पर वो कंप्लेंट करने के बावजूद 1 या 2 या 3 हफ्ते गुजर चुके हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, एंड इन द इंटरेग्नम जब से मैंने कंप्लेंट फाइल किया तब से लेकर अब तक मेरा ऐसा ऐसा नुकसान हुआ है, मेरे को जो है एक्यूज तंग कर रहे हैं या वो अपनी चीज छुपा देंगे, तो इस वजह से उनके अगेंस्ट प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए। तो देयरफॉर डीसीपी साहब, मेरी जो आपकी मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस कंप्लेंट को आप संज्ञान में लें और इस पे प्रॉम्प्ट स्टेप्स लेने की डायरेक्शन दें अपने एसएचओ को या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। अब दोस्तों इसमें ऐसा है कि जो डीसीपी होता है उनके पास पावर होती है कि वो या तो वहां डायरेक्ट करें एसएचओ को या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि आप ठीक से करो। दूसरी चीज वो ये कर सकते हैं कि वो किसी दूसरे थाने में भी उस कंप्लेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, इधर वो सेम थाने में रखेंगे या उसको कहीं दूसरे थाने में भी वो कंप्लेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, या वो ऐसा भी कर सकते हैं सेम थाने में किसी और दूसरे आईओ को वो कंप्लेंट हैंडल करने को डायरेक्ट कर दें। सो दिस इज व्हाट द डीसीपी कैन डू। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट ही कैन डू इज वो उस कंप्लेंट को अपने अंडर डायरेक्टली भी रख सकते हैं, जो डीसीपी है या जो एसपी, हम डीसीपी को कई बार एसपी भी बोलते हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो डीसीपी या एसपी इंस्टेड ऑफ गिविंग द कंप्लेंट टू समवन एल्स इन द सेम थाना और इन सम और टू सम डिफरेंट थाना, वो उस कंप्लेंट को अपने अंडर भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं डायरेक्टली, अपने अंडर लेकर के अपने अंडर किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को रख के उस कंप्लेंट को वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और इन सच ए केस जो एसपी होंगे वो सारे काम करेंगे या उनके पास वो सारी पावर्स होंगी जो नॉर्मली एक एसएचओ के पास होती है। जो फर्स्ट चीज हमने बताई, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं कर रहा तो एसएचओ को कंप्लेंट करें, एसएचओ नहीं कर रहा तो आप डीसीपी को कर सकते हैं या एसपी को कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। अब मान लीजिए एसपी या डीसीपी भी आपकी कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो इन दैट केस आप जा सकते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास। कमिश्नर ऑफ पुलिस इन सब के ऊपर आता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एसएचओ या ओसी, उसके बाद जो एसीपी या डीसीपी या एसपी जो भी होते हैं उन सब के ऊपर आते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस। वो स्टेट की जो पुलिस होती है उन सब के ऊपर उनकी सुपरवाइजरी पावर होती है। तो कमिश्नर साहब को आप एक कंप्लेंट लिखें कि मैंने सो एंड सो डेट पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को किया था, कुछ नहीं हुआ, एसएचओ को किया कुछ नहीं हुआ, डीसीपी को किया कुछ नहीं हुआ, या जो भी स्टेप्स लिए गए दैट वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री और उसकी वजह से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, एंड देयरफॉर कमिश्नर साहब आप इसमें इंटरवीन करें और इस चीज को आप जो भी गलत चीजें हुई हैं उसको सही करें। तो इस स्टेप पे जनरली हो जाना चाहिए बिकॉज कमिश्नर एक बहुत आला अफसर होते हैं, काफी उनको एक्सपीरियंस होता है, काफी उनका मतलब वो काफी इंटेलेक्चुअल होते हैं जो भी कमिश्नर साहब होते हैं, एंड ऑफ कोर्स एट दिस स्टेज हो जाना चाहिए मैटर आपका सॉल्व। पर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जो स्टेप्स लिए हो वो आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री ना हो, या जो जैसा आप चाहते हैं या जो चीज आप बोलना चाह रहे हैं हो सकता है वो चीज वो समझ ना पा रहे हो और उस पे जो आपकी लीगल रेमेडी है आपको तो भी एस्केप कर रही हो। तो इन दैट केस व्हाट यू डू इज आप या तो, क्योंकि कमिश्नर ऑफ पुलिस जो आती है वो स्टेट के अंडर आती है, जो पुलिस होती है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है जो पुलिस है उनके अंडर आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। तो देयरफॉर इफ द कमिश्नर के लेवल पर भी अगर मैटर सॉल्व नहीं हो रहा तो आप एक ऑप्शन तो है, यू कैन गो टू द कोर्ट्स, आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी जा सकते हैं और उसके अलावा यू कैन गो टू द हाई कोर्ट एज वेल, उसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट टू द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट डायरेक्टली। आप होम मिनिस्टर को लिखें कि हमने कमिश्नर को और इनको एसएचओ को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को काफी टाइम से हम उन्हें परस्यू कर रहे हैं, हम उनके साथ जो भी मटेरियल्स हैं केस के रेलेवेंट मटेरियल शेयर कर रहे हैं, पर बावजूद उसके कोई भी इस पे ठीक एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो आप काइंडली उन्हें डायरेक्ट करें कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से चले। अगर आप ऐसा करते हैं स्टेट के गवर्नर को या फिर स्टेट के जो होम मिनिस्टर हैं उन्हें अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो एक्शन ले लेना चाहिए, कोई ना कोई एक्शन उस पर डेफिनेटली होगा, हो सकता है वो आपको बुलाए भी और आपके कंप्लेंट को समझे भी। ऐसा अक्सर होता है कि अगर आपने उनको लेटर लिखा है
तो उनका जो प्राइवेट सेक्रेटरी होगा या उनका जो असिस्टेंट होगा वो आपको हो सकता है फोन करके आपको बुलाएं, आपकी कंप्लेंट समझें, और अगर आपके मैटर में उनको कोई दम लगता है, अगर आपके मैटर में उन्हें लगता है कि आपके खिलाफ एक्चुअल में बहुत इलीगैलिटी हुई है, तो वो आपको हेल्प भी कर सकते हैं। वो हेल्प इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए आप उनके वोटर हैं, ही इज अकाउंटेबल टू यू। आप जहां रहते हैं वहां पर वो उस क्षेत्र से या उस जगह से चुनकर आए हैं, तो इवेंचुअली जो ये जो लीडर्स होते हैं या जो होम मिनिस्टर हैं या जो उनके जो भी मान लीजिए गवर्नर साहब अगर इसमें इंटरवीन करते हैं, तो वो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स यू, क्योंकि वो आपके ही रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये ही इज फुलफिलिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज ड्यू टुवर्ड्स यू फ्रॉम हिम। तो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन डू। आप डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास, अपने मिनिस्टर के पास या अपने लीडर के पास जा सकते हैं, रिक्वेस्टिंग हिम टू इंटरवीन, और जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो भी कंसर्न पुलिस ऑफिसर हैं, उसको उससे उनसे बात करें, और बात करके उनसे रिक्वेस्ट करें कि इसमें, या डायरेक्ट करें, होम मिनिस्टर के पास तो पावर भी है डायरेक्ट करने की, कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन ठीक से करें और इनकी ये प्रॉब्लम है उसमें काइंडली देखा जाए कि इनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, या इनका जो केस है वो एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे। सो दिस इज अबाउट ये जो पूरा एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से लेके ऊपर जो आपकी मिनिस्ट्री है वहां तक का ये पूरा जर्नी है केस का। सो दिस इज इन द एग्जीक्यूटिव डोमेन, मतलब ये जो है ये पुलिस और मिनिस्ट्री का जो जर्नी है केस का ये वो है। द अदर थिंग इज जब आप कमिश्नर के लेवल तक गए हैं, उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मिनिस्टर, या आपने मिनिस्टर के पास भी अगर गए, तो साइमल्टेनियसली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आप एक कंप्लेंट फाइल करें कि मैंने एक पिटिशन फाइल करें कि मैंने एक FIR फाइल की है, वो मैंने IO से लेकर के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से लेकर के कमिश्नर के लेवल तक मैंने परस्यू किया है, पर उस पर कुछ हो नहीं रहा है। अब ये हो नहीं रहा है तो जज साहब काइंडली आप डायरेक्ट करें। देखिए एक डिस्ट्रिक्ट के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास पावर होती है टू डायरेक्ट द पुलिस टू कंडक्ट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। अब अगर वो मजिस्ट्रेट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक कंडक्ट नहीं हो रही, तो व्हाट द मजिस्ट्रेट कैन डू इज मजिस्ट्रेट उसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो, बिकॉज मजिस्ट्रेट के पास मॉनिटर करने की पावर होती है कोई भी इन्वेस्टिगेशन को। सो देयरफॉर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो रही, तो मजिस्ट्रेट उसमें ऑर्डर्स पास कर सकते हैं सेइंग कि इन्वेस्टिगेशन को ठीक से कंडक्ट किया जाए, या ये इन्वेस्टिगेशन ठीक से कंडक्ट नहीं हो रही, वो कंसर्न्ड IO को ये डायरेक्शंस दे सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट के पास आप जा सकते हैं, व्हाट यू कैन डू अपार्ट फ्रॉम गोइंग टू मजिस्ट्रेट इज मजिस्ट्रेट के पास जाना एक चीज है, आप डायरेक्टली हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो हो सकता है हाई कोर्ट आपको ये कह दे कि आप पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएं, अगर वहां पे रिलीफ नहीं मिल रहा देन यू कम टू अस। बट इन अ लॉट ऑफ केसेस लोग क्या करते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के पास उस स्टेट में जो भी बॉडीज होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जो भी होती हैं, जैसे पुलिस, कॉरपोरेशन, सबके ऊपर हाई कोर्ट की एक सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 हाई कोर्ट की सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होती है अंडर ओवर ऑल द बॉडीज जो उस स्टेट में आती हैं। तो द हाई कोर्ट कैन ऑल्सो डायरेक्ट द पुलिस, द SHO और द कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू कंडक्ट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर, क्योंकि राइट टू अ स्पीडी ट्रायल एंड राइट टू फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन इज अ राइट ऑफ एवरी सिटीजन। तो हाई कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 इट कैन इंटरवीन। अगर हाई कोर्ट जो मटेरियल्स आप लगाते हैं फाइल में, उन मटेरियल्स को देख के हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं आपके खिलाफ बहुत इनजस्टिस हो रही है, तो इन अ लॉट ऑफ मैटर्स हाई कोर्ट हैज इंटरवीन, और हाई कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है द कंसर्न्ड SHO या जो कंसर्न्ड IO हैं उन्हें कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन ठीक से करें, आप इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर रहे हैं, एंड द हाई कोर्ट कैन पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स जो उन्हें उस केस में अप्रोप्रिएट लगे। इसमें आप ये चीज समझ लें, आपके पास दो रूट्स हैं। वन इज कि आप मिनिस्ट्री की तरफ जा सकते हैं, वहां से भी हो सकता है, एंड सेकेंडली आप जुडिशरी की तरफ जाएं, क्योंकि दोनों अलग ऑर्गन्स हैं स्टेट के। जुडिशरी एक अलग ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव एक अलग ऑर्गन है, तो यू कैन गो टू बोथ, आप दोनों पे भी जा सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं लीगली, आपको आप यहां जाकर के अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ये कई लोगों को पता नहीं होता। ये इसीलिए हम इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं कि लोगों को जानकारी हो
कि अगर इन्वेस्टिगेशन उनके मैटर में ठीक नहीं हो रही है तो वो क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एफआईआर फाइल होगी और सालों निकल गए, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, ना उस पर फाइनल रिपोर्ट जा रही है, ना उस पर चार्जशीट फाइल हो रही है, और जो कंप्लेनेंट है या जो विक्टिम है उन्हें पता ही नहीं कि क्या करना है. तो देर आर सो मेनी ऑप्शन दैट आर अवेलेबल अपनी सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टांसिस के हिसाब से और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि इनमें से आप कौन सी ऑप्शंस एक्सरसाइज करना चाहते हैं. तो दोस्तों, आई होप वी हैव समड इट अप अबाउट वी हैव समड अप द टॉपिक कि आप क्या कर सकते हैं अगर आपके मैटर में इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही है. एंड हैविंग सेड दैट, आई थिंक वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन. अगर आपके कोई क्वेरीज हो तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, और अगर आप हमारे ऐसे डिस्कशंस के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू आर YouTube चैनल. अपार्ट फ्रॉम डूइंग दैट, हमने एक WhatsApp ग्रुप स्टार्ट किया है जहां पर हम बहुत ही रेगुलरली जो हम लीगल डिस्कशंस करते हैं या जो आर्टिकल्स लिखते हैं उसे अपलोड करते रहते हैं, उसे वो शेयर करते रहते हैं. यू कैन ज्वाइन दैट WhatsApp ग्रुप एज वेल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यू कैन ऑफ कोर्स ज्वाइन आवर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज. उस पर भी हम अपने आर्टिकल्स और जो टॉपिक्स पे डिस्कशंस होती हैं उन्हें हम उस पर शेयर करते हैं. सो दैट्स अबाउट इट फ्रेंड्स. आई होप यू फाउंड दिस डिस्कशन इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल, और अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ एंड गुड बाय.